ऑल ऑफ यू, आज हम क्लास टू में लेसन टू यूजेज ऑफ प्लांट्स पढ़ाने जा रहे हैं और देखिएगा कि इसमें हम सबसे पहले बताते हैं सर्किल द फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब वैसे पौधे को जो हम पौधे से प्राप्त करते हैं उसे हम घेरा लगाएंगे, तो देखेंगे कि ब्रिंजल है, ब्रिंजल मीन्स बैगन, मेज मीन्स मक्का, एप्पल मीन्स सेव, मिल्क मीन्स दूध, बनाना मीन्स केला, मीट मीन्स मांस। तो अब है कि ब्रिंजल पौधे से ही प्राप्त करते हैं तो घेरा लगाएंगे, मिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं, गाय से, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। और मेज मीन्स मक्का, ये भी प्लांट से, एप्पल मीन्स सेव, ये भी प्लांट से, और इस चीज़ को हमको देखते हुए देखना है कि कौन प्लांट से कौन एनिमल्स है। तो हम यहाँ बताया गया कि प्लांट्स में घेरा लगाना है, तो उसे हम घेरा लगा देंगे और तब यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधे की उपयोगिता क्या है, देखेंगे किस किस रूप में पौधे से हम लोग लाभ लेते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज, पौधे जो है हर तरह से, जो भी है, रूट है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, जितना भी है, हर प्रकार से पौधे से प्राप्त करते हैं और जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगिता है। वी गेट ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्लांट, तो अब हम देखते हैं कि पौधे से कितनी संख्या में हम लोग जो है प्राप्त करते हैं क्या क्या चीज़, उसके बारे में जानो। वी गेट ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पौधे से क्या क्या प्रोडक्ट होता है उसके बाद देखते हैं। उसके बाद फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो पौधे से क्या लेते हैं, भोजन भी प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मीन्स फल होता है और वेजिटेबल मीन्स सब्जी, तो फल भी और सब्जी भी। उसके बाद क्या जो है ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स अनाज होता है, व्हीट है, राइस है, मेज है, ग्राम है, जितने भी ग्रेन्स हैं वो हम पौधे से ही प्राप्त करते हैं, जितने भी फल हैं वो भी पौधे से ही प्राप्त करते हैं। तो पौधे हमारे लिए कितनी उपयोगिता है वो देखना है कि सब्जी है, अनाज है, सब्जी फल है। आप पौधे का कौन कौन सा पार्ट में देखें कि किस चीज़ से कैसे लाभ ले ले, पौधे का सबसे पहले देख रहे हैं लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ होता है, तो पत्तियाँ का कौन कौन, पौधे का जो पत्तियाँ है कौन कौन भाग कैसे खाते हैं, तो उसमें आता है कैबेज मीन्स बंधा गोभी, स्पिनच मीन्स पालक, कोरिएंडर मीन्स धनिया, तो ये जो है पत्तीदार सब्जियाँ हैं, तो ये इसे हम लीव्स के टाइप में रखते हैं। और इसी में आता है आपका ब्रोकोली, एक आता है लेटिक्यू जो कि सलाद का पत्ता, ये भी आपको पत्ते जैसे होता है और सब पत्तीदार सब्जियां में इसे हम यूज करते हैं। तो एक ब्रोकोली जो है वो भी पौधे से ही प्राप्त करते हैं सब्जी के रूप में, इससे हमें लाभ कितना, इसे हम हिंदी में कहेंगे जंगली गोभी, तो इससे हमें क्या क्या लाभ विटामिन मिलता है, सबसे पहले तो ये हरा होता है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन वन और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी सभी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। तो उसके बाद जो है लीव्स का तो पार्ट देख लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग खाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं रूट्स, तो रूट्स जो है रूट्स मीन्स जड़ होता है, तो पौधे का जो जड़ है तो उसी में रेडिश आता है, कैरोट आता है, बीट रूट, इसका जो है रूट वाला भाग में ये सब आता है, और इसे रेडिश मीन्स मूली, कैरोट मीन्स गाजर, बीट रूट मीन्स चुकंदर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग खाने में यूज करते हैं, सब्जी में यूज करते हैं। फिर नट्स है, अब देखिए पौधे से ही हम लोग नट्स प्राप्त करते हैं, कौन कौन से नट्स है भाई, ग्राउंड नट, वालनट, केशव नट, वालनट मीन्स अखरोट होता है, केशव नट मीन्स काजू होता है, तो जितने भी हैं नट्स हम पौधे से ही प्राप्त करते हैं। तो पौधे हमारे जीवन में कितने उपयोगिता और उससे कितने लाभ लेते हैं, तो सिनॉप्सिस आज का जो है क्लास टू का साइंस में यूजेस ऑफ प्लांट, तो पौधे से क्या, पौधे की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, तो उसको देखते हुए देखें कि फूड फ्रॉम प्लांट्स हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, और पौधे के एक एक पार्ट से लीव्स,
रूट्स, नट्स, जो भी है सब भी भागों के हमने चर्चा किए हैं, और इसे आप जितना भी मीनिंग बताए हैं वो सारा आप याद कर लेंगे और आगे भी लेसन टू में दिया गया है इसे चैप्टर पूरा करेंगे। तो यूजेज ऑफ प्लांट्स, तो ब्रांच के बारे में जो हम लोग चर्चा किए, तो व्हीट, मेज, राइस, ये सब जो है ग्रेन्स कहलाता है, और ये अनाज भी उसी को सीरियल्स भी कहते हैं। अब आगे है पल्सेज, तो ये दलहन है, तो इसे हम देखेंगे कि ये भी पौधे से ही प्राप्त करते हैं। वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, ये जो है पौधे के कुछ बीज होते हैं जो कि पौधे को खाने का यूज करते हैं, सच एज पियर, पीज, तो जो कि मटर है, किडनी बीन्स, तो ये राजमा है, एंड ग्राम और चना। ये जो दलहन है इसे हम प्लांट पौधे के बीज से ही प्राप्त करते हैं और दलहन के रूप में रखते हैं, और ये से ही पल्सेज कहा गया है। तो अब जो है पल्सेज के बारे में आगे हम भी और इसे स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि चर्चा करेंगे कि किस माह में ये होता है और कब कौन किसे कब लगाया जाता है, तो उसके लिए एक और अलग से रखेंगे। उसके बाद है स्पाइसेस, तो मसाला का प्रयोग भी जो है पौधे के पार्ट से ही लेते हैं, जैसे कि उसमें आता है कार्डमम, ब्लैक पीपर, तो कार्डमम मिस होता है इलायची, और ब्लैक पीपर मिस होता है काली मिर्च। तो ये भी पौधे के ही भाग से मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। तो इसलिए मसाले का भी होना, उसमें भी बहुत ही पोषक तत्व हैं, हल्दी का अलग कार्य है, मिर्च का, धनिया का, जीरा का, सबका अपना अपना अलग उसमें भी पोषक तत्व है, तो मसाले भी बहुत ही उपयोगी हैं। अब जो तेल है तो वो भी पौधे से ही प्राप्त करते हैं, वो कैसे, तो मस्टर्ड है, मस्टर्ड भी सरसों, सनफ्लावर में सूर्यमुखी, कोकोनट में नारियल, ये सब जो है इसके पौधे से जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसे अपना ग्राइंडेड करके वो अपना तेल के रूप में पौधे से प्राप्त करते हैं। तो पौधे से ही लाभ तेल के रूप में लेते हैं, और तेल लगाने में भी काम करते हैं और खाना बनाने में भी काम लाते हैं। इस प्रकार से विभाजित देखेंगे कि पेय पदार्थ भी जो है पौधे से ही प्राप्त करते हैं। कॉफ़ी टी कोका, तो कॉफ़ी हम लोग जो पीते हैं वो भी पौधे से ही प्राप्त करते हैं। चाय और कोका भी जो होता है चॉकलेट का पाउडर, वो भी पीने में ही यूज करते हैं, और पौधे से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त किए हैं। अब देखें अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, तो जितने भी चीज हैं अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, तो ये जो है जितने भी इसके बारे में तो हम लोग रोज लेते हैं, तो अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, तब हम देखते हैं कि दूसरे चीज जितना भी है कि ये तो दाल, तेल, मसाला हो गया, उसके बाद भी देखेंगे कि दूसरे पदार्थ भी हम पौधे से ही प्राप्त करते हैं। तो फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, तो क्या क्या लेते हैं, कॉटन एंड जूट, कहाँ से लाते हैं, ये कॉटन जो है एक कॉटन प्लांट्स होता है, जिससे कि उससे हमें बनाते हैं उसे कपड़ा, कॉटन प्लांट से कॉटन और जूट प्लांट से जूट का जो होता है प्रोडक्ट बनता है। तो अब पौधे से ही अपना फाइबर्स फ्रॉम प्लांट लेते हैं, और उससे कपड़ा जो हम पहनते हैं वो भी पौधे से ही प्राप्त होता है। मेडिसिन इज दवाई, तो जो दवा होता है वो भी हम पौधे से ही प्राप्त करते हैं, क्लोव, नीम, तुलसी, ये सब जो है इसे हम पत्ते के रूप में, दवाई के रूप में पीस कर, जैसे भी इसका दवा के रूप में और भी तैयार करके दवाई के रूप में लेते हैं, जो कि पौधे से ही प्राप्त होता है। तो पौधे से बहुत चीज़ें प्राप्त करते हैं, साबुन है, पेस्ट है, परफ्यूम्स है, ये सब चीज़ें जितने भी हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे से ही। तो पौधे से ही कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा पौधा है जिससे कि उसका पाउडर बना के उसे साबुन यूज करते हैं, पेस्ट के रूप में लाते हैं, उसके जो सेंटेदार पत्तियाँ उससे सेंट यूज करते हैं, रोज है, जैस्मिन है, और लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो भी हम
पौधे से ही प्राप्त करते हैं। जितने भी फर्नीचर का सामान बनाते हैं वो सब हम लोग पौधे से प्राप्त करके लकड़ी लेकर अपना सब चीज फर्नीचर का जितना भी होता है सब सामान बनाते हैं। उसके बाद हम आज सारी जानकारी लेते हैं यूजेस ऑफ प्लांट, पौधे से क्या क्या पाए देखेंगे कि सिनॉप्सिस में आप ग्रेन्स को अनाज जो है उत्पन्न किए कहाँ से, पौधे से ही लिए, दाल भी, उसके बाद मसाले भी, तेल भी, उसके बाद पीने का जो पदार्थ है, अदर यूजेज प्लांट्स, जो भी जितनी भी जानकारी हमारे हमारे जीवन में जितने साधन है लगभग देखते हैं चारों ओर कि वो पौधे से ही प्राप्त है। तो फाइबर्स फ्रॉम प्लांट और जूट का जो प्रोडक्ट है ये भी पौधे से ही, दवाई, साबुन, पेस्ट और सेंट जो बनता है वो भी पौधे से ही, और जितने भी लकड़ी के सामान हैं वो भी पौधे से ही प्राप्त। थैंक्स। हाँ, तो ये सब चीज़ देखते हुए हम आप बताना चाहेंगे कि ये तो मेरा किताब का वर्क है, अब जो हम चार्ट पेपर पे कुछ एक्टिविटी जो है कर, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो वैसा चीज़ आप पौधे पर जो बन सकता है, जो पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप अनाज है, दाल है, मेडिसिन है, कुछ वैसा पौधा तीन पार्ट करके आप एक्टिविटी में कि उससे हम दवाई प्राप्त लेते हैं, इससे हम मसाले प्राप्त करते हैं, तो जो आपको लगता है कि इसमें कुछ पौधे का फिगर हम छोटा छोटा किताब से हेल्प लेके या फिर अपने पेरेंट्स से उसे चार्ट पेपर पे तैयार कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कलर करेंगे। थैंक्स।